चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे गुट को हवाले किए जाने के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। उद्धव गुट और शिंदे भाजपा खेमे के बीच बयानबाजी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी राम और श्याम की जोड़ी है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के एक किंवदंती थे, वह महाराष्ट्र के वीर सपूत हैं। केंद्र सरकार को उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के राम श्याम की जोड़ी वाले बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा, राम श्याम की जोड़ी तो भाजपा और ओवैसी को कहना चाहिए। राउत ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि जहां बीजेपी को जीतना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। संजय राउत ने कहा है कि लोग कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है, वोट कटवा मशीन है। राम श्याम वाला जुमला उनके ऊपर ज्यादा ठीक लगता है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने कहा कि उनकी शिवसेना अकेले लड़ेगी। उन्होंने सावरकर को महाराष्ट्र का गौरव बताया। राउत ने कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के वीर सपूत हैं, केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न दे। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा किया है कि शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। वहीं इस बयान पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों के बीच सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब फडणवीस विपक्ष के नेता थे। ऐसे में जब दो नेता चर्चा करते हैं तो उसमें गलत क्या है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने बगावत की थी तब उद्धव ठाकरे ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया कि हम आगे बढ़ चुके हैं। उद्धव ने कहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब आप मुख्यमंत्री बनिए। मैंने साफ कर दिया कि अब समय बीत चुका है, मैं विश्वासघात करने वालों में से नहीं हूँ। अब एकनाथ शिंदे और विधायक हमारे साथ आए हैं तो हम उनके साथ विश्वास घात नहीं कर सकते। ये हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है। बता दें कि संजय राउत के बयान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने 25 फरवरी को मुब्रा में महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोला था। रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा, वे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म बचाओ, क्या शिवसेना सेक्युलर है। ओवैसी ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को राम और श्याम की जोड़ी कहा था। ओवैसी ने रैली में राजनीतिक परिवारों पर निशाना साधते हुए कहा, सुप्रिया सुले और अजित पवार नेता बन सकते हैं, आदित्य ठाकरे अपने पिता की वजह से नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे नेता बन सकते हैं, क्या महाराष्ट्र के मुसलमान शरद पवार उद्धव ठाकरे और शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।